तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत और रशिया को लेकर। और भारत ने जिस S-400 को रशिया से खरीदा था उसने घुटने टेक दिए हैं, वो भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में। और यूक्रेन ने अपने एक हथियार से S-400 के परखच्चे उड़ा दिए हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत ने करीब $5 बिलियन के आसपास की कीमत में 5 रेजिमेंट में S-400 को खरीदा था। और यह जो डिफेंस सिस्टम है उसके आने के बाद भारत की सुरक्षा अभेद्य बन जाती है। परंतु रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन ने कई बार दावा किया है कि हमने रशिया के S-400 को तबाह कर दिया है। और ऐसा ही दावा एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से 14 जुलाई को एक ट्वीट किया गया, जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हो, जिसमें यूक्रेन ने जानकारी दी कि हमने हमारे हिमार्स के माध्यम से S-400 के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और इसके साथ यूक्रेन ने यह भी जानकारी दी कि इसी S-400 के माध्यम से रशिया ने हमारे डोनेट्स्क रीजन के पास में क्रामोटोरस्क नाम के शहर पर भीषण हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 61 लोग घायल हुए थे। और यूक्रेन की तरफ से इस हमले का बदला S-400 को तबाह करके ले लिया गया है। और यदि यूक्रेन का दावा सच है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हिमार्स जैसे रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के माध्यम से S-400 जैसे एक अजय एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराना काफी हैरानी की बात है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हिमार्स ने तब अटैक किया हो जब S-400 के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में शायद हिमार्स S-400 के लॉन्चर को खत्म कर सकता है। पर आप सभी को क्या लगता है और क्या यूक्रेन का दावा सच है या फिर झूठ, कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।